नमस्कार आप सभी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दोपहर तक में। तो आज हम लेने जा रहे हैं बहुत ही बड़ा इंटरव्यू। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। इन्होंने हमारे देश में चमत्कार पे चमत्कार किए हैं। इनका नाम बहुत मशहूर है। चलिए स्वागत करते हैं हमारे हरियाणा के बहुत ही जाने वाली शख्सियत श्री सुरेंद्र लाल टट्टर जी का। तो ठीक है मंत्री जी, चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पीए ने स्क्रिप्ट तो पहुंचा दी थी ना मंत्री जी? दाढ़ी चल रहा है, क्या कर रहे हो? कट कर कट। हाँ तो मंत्री जी बताइए, जैसा कि आपने सुना ही होगा, हमारा देश चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या हुआ पीए, इस बात की तंगा लेता है तू? अच्छा, चंद्रयान। हाँ तो उसके लिए मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है। तो मैं आप सभी को आज ऐलान कर रहा हूँ, जो विक्रम और रोवर दो आदमी चंद्रयान चांद पर गए हैं, उन दोनों को वापस आते ही हरियाणा में ग्रुप डी की नौकरी दी जाएगी और उन्हें 5-5 लाख रुपए नगद राशि दी जाएगी। मंत्री जी, चांद पर कोई इंसान नहीं गया है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना चंद्रयान भेजा है। तो उसमें बैठ के भी तो कोई गया होगा। मंत्री जी, उसमें कोई बैठ के नहीं गया है। तो क्या वो अपने आप चला गया? कुछ चला भी तो रहा होगा उसको। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो तो मंत्री जी, अभी हमारे देश ने जो चंद्रयान लॉन्च किया था, वो जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई है जी। तो अब उसके बाद जो हमारा देश है वो सूरज की तरफ मुख कर रहा है, और उन्होंने आदित्य L1 करके एक मिशन लॉन्च करने का निर्णय लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो आदित्य ने मेरे 10,000 रुपये लिए हुए हैं। मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से उसे खुली चुनौती दे रहा हूँ, या तो मेरे पैसे एक हफ्ते के अंदर लौटा दे, नहीं तो उसके घर में आग लगवा दूंगा। हाँ जी, अब आगे पूछे, क्या कह रहे थे आप? मंत्री जी, मैं मिशन की बात कर रहा हूँ, जो आदित्य L1 मिशन हम भेजना चाह रहे हैं उसका। अच्छा, मिशन मिशन। हाँ तो मिशन के बारे में मैं पहले तो नासा को बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मारो जी, नासा नहीं है, इसरो। इसरो, इसरो, सॉरी, इसरो, वो भी हमारे ही देश का हिस्सा है। इसरो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं, इनका काम इतना प्रशंसनीय निंदनीय है, सूर्य पर उतरना कोई आसान काम नहीं था। इन्होंने सूर्य पे जो लैंडिंग करवाई है उससे खुश होके मैं हर गरीब को 15-15 हज़ार रुपये दूंगा। तो मंत्री जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि समाज में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, जी इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? दूसरा क्वेश्चन तो हिंदू मुस्लिम का था। अरे मंत्री जी, मैं महंगाई का पूछ रहा हूँ। तुमको 10 दिन पहले स्क्रिप्ट इस चीज़ के लिख के देते हैं। मंत्री जी, लाइव चल रहा है, आप समझ नहीं रहे हो, पिटवाओगे आप चैनल की TRP गिरा दोगे। कर दे। महंगाई सिर्फ टमाटर से थोड़ी होती है मंत्री जी, सिलेंडर देखिए आप, पेट्रोल देखिए, सब महंगा है। हमारी सरकार ने सारी आवश्यकता की वस्तुओं को सस्ते दामों में कर दिया है। सिलेंडर के बिना एक इंसान का काम चल सकता है, लेकिन आप बताइए मुझे, क्या एक रसियन के बिना इंसान का काम चल सकता है? ओपोजिशन के टाइम पे 12,000 में रसियन आती थी, हमारे टाइम पे वो 6,000 की हो गई है। हर बच्चा आज ट्वीट करके कह रहा है, आज मैं रसियन के पास गया। अब आप बताइए, क्या हमारी सरकार काम नहीं कर रही है? मेरी बुआ का लड़का धर्मिंदर हरियाणा डेली अपनी वीडियो में रसियन ला रहा है। कहाँ से? हमारे पैसे से थोड़ी ला रहा है, रेट ही इतना कम है। आप भी मेरी मानो तो अपने घर की तिजोरी में से 6-6 हज़ार रुपये निकालो और आज ही जाओ। तो मंत्री जी, जो हमारे देश के युवा हैं, हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? रुको रुको, एक ज़रूरी कॉल आ रहा है डायरेक्ट पार्लियामेंट से। बेबी रुक जाओ, अभी थोड़ी जरूरी मीटिंग में हूँ, फिर करता हूँ, कट करवा देना इसको। पार्लियामेंट से कुछ ज़्यादा प्यार दिखता है आपको।
भाई देश की सेवा मेरा प्रथम लक्ष्य है, मैं अपने फायदे के लिए कभी भी राजनीति में नहीं आया हूँ। मेरा घर 500 करोड़ का बेशक है, लेकिन मैंने कभी भी सरकारी पैसा नहीं खाया। शुरू में मैं बहुत गरीब परिवार से था, हम सड़क पर मिर्च बेचा करते थे। ये जो भी पैसा है सारा मैंने अपनी मेहनत से लगन से कमाया है। आज मेरे पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, स्विस बैंक में मेरे 5 लाख करोड़ रुपए जमा है और 500 करोड़ का मेरा बंगला बना हुआ है। ये सब मैंने मेहनत मजदूरी करके ईंट भट्टों के काम कर करके कमाया है। मंत्री जी, जैसा आप देख रहे हैं कि जो हमारे रेसलर्स थे जिन्होंने हमारे देश को विश्व स्तर पर मेडल दिलाए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी बात का कोई सुलझेड़ा नहीं हुआ, सरकार से कोई जवाब नहीं आया है, तो अब क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस बात का तो मुझे भी बहुत गहन दुख है। हमारे हरियाणा के लड़के को साबुन का पानी पिलाया गया है बिग बॉस में, ये बात बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करवाऊँगा। ये इस चीज़ के लिए लिखित में मैंने फतवा जारी कर दिया है, आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसका फैसला जल्द से जल्द होगा। भैया, रेसलर्स का क्या, उनका क्या होगा, उन पे कौन ध्यान दे रहे हैं, करने दो प्रोटेस्ट। मैं तो सुबह पनीर की सब्जी खा गया हूँ, मेरा मन खुश है। तो मंत्री जी, जैसा आप देख रहे हैं हरियाणा में हमारा जो खेल स्तर है वो बहुत बढ़ रहा है, हमारे हरियाणा के लड़के पूरे विश्व स्तर पर बड़े बड़े मेडल जीत रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, हमारे हरियाणा का लड़का बड़े बोस में गया हुआ है। मेरी आप सभी से यही कहना है, अपने सेल्फिश यादव को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और उसे जिताएं, और आप इस साक्षात्कार को जल्दी ख़त्म करिए, मुझे उसके मीटअप में भी जाना है। देश की अर्थव्यवस्था एक अलग चीज़ है, मीटअप में जाना एक अलग चीज़ है। तो मंत्री जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, आप पूरे राज्य का कार्यभार संभालते हैं, तो आप कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, अपना पार्लियामेंट का काम, घर परिवार, क्या करते हैं आप पूरे दिन? देखो, मैं आपको बता दूं, एज अ मंत्री ये बहुत मुश्किल काम है। आप अगर एक दिन के लिए मंत्री बन जाओ ना, आप पीछे से गिर जाए सब कुछ। मंत्री बनना इतना मुश्किल काम है, लोगों को लगता है सामने पैसा खाता हूँ, लेकिन मैं 1 रुपया नहीं खाया आज तक। मैं आपको अपनी दिनचर्या बताता हूँ। सुबह मैं 11 बजे उठता हूँ, माँ बाप से गाली खाता हूँ, फिर नहा धो के फ्रेश होके मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ और उसमें लड़कियों के पास नोटी नोटी मैसेज करता हूँ। फिर मैसेज करने के बाद जब वो मुझे ब्लॉक कर देती हैं तो सैड सॉन्ग सुनता हूँ, फिर रात का खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। अब आप खुद बताइए, क्या आप ऐसा जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल एक टॉपिक बहुत चर्चा में है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान जी, वहाँ से सीमा जी हमारे देश आई हुई है, तो बहुत मशहूर हो रखे हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीमा पर तो हमारे भी नजरें थी, नहीं पता। देखो, इस चीज़ पे मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, हमेशा अच्छे और मीठे फल कीड़े खा जाते हैं। उसके चक्कर में तो मैंने खुद पबजी इंस्टॉल कर लिया है, पर किसी का नंबर ही नहीं पड़ रहा भाई साहब, क्या बताऊँ, बड़े दुख में। तो मंत्री जी, जो हमारे हरियाणा में अभी आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम के बहुत दंगे हो रहे हैं, तो उसका क्या समाधान? पहले रुको, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी तरह बिल्कुल भी खाली इंसान नहीं हूँ, मेरे पास और भी बहुत काम है, मुझे कई पार्लियामेंट संभालनी होती है। तो इस अपने इंटरव्यू को अभी ख़त्म कीजिए, मुझे जाना है। कहाँ पे जाना है आपको? अब मैं तुझे बताऊँगा क्या सारी बातें। अब मैंने रशियन को बुलाया हुआ है, समझा करो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं।